उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय खोटियाल ने पिछले दिनों पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। अब खबर ये आ रही है कि कर्नल खोटियाल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल खोटियाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। कर्नल खोटियाल के करीबी सूत्रों की माने तो वे 24 मई को बीजेपी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि कर्नल अजय खोटियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कर्नल खोटियाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे में ये लिखा था कि पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कर्नल खोटियाल ने जिस तरह से अलग अलग वर्गों के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस्तीफा देने की बात लिखी थी, उसके बाद से ही अटकलें लगाई भी जाने लगी थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब कर्नल खोटियाल के करीबी सूत्रों ने इन अटकलों की पुष्टि करते हुए ये जानकारी दे दी है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। कर्नल अजय खोटियाल ने अपनी सियासी सफर का आगाज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले 2021 में किया था। कर्नल खोटियाल को उनके शौर्य के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। सेना की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सियासत में आए कर्नल अजय खोटियाल पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा लगाया था। पार्टी ने कर्नल खोटियाल को विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उत्तराखंड की बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल खोटियाल खुद गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। आम आदमी पार्टी को कर्नल खोटियाल के सैनिक बैकग्राउंड का फायदा नहीं मिला और पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। खुद कर्नल खोटियाल भी न सिर्फ विधानसभा चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 5,000 वोट मिले थे। कर्नल खोटियाल ने अब पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल खोटियाल के बीजेपी में शामिल होने की संभावना से उनके सहारे देवभूमि की सियासत में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।